नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आटे से बनने वाले खाजे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। दोस्तों, खाजा तो हम कई बार बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन क्योंकि खाजा ज्यादातर मैदे से ही बनता है तो वो हमारी सेहत को कहीं ना कहीं हानि करता है। तो आज की जो रेसिपी है उसमें हम मैदे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आटे से खाजा बनाएंगे और वह खाने में बिल्कुल उतना ही टेस्टी लगेगा, साथ ही इसे बनाना भी काफी आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। दोस्तों, आप किसी भी एक कटोरी को 1 कप मान सकते हैं और उसी के हिसाब से सारी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक, फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मोइन के लिए डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच घी। दोस्तों, इसी घी को डालने की वजह से हमारे खाजे में खस्तापन आएगा। इसे आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हम इस तरीके से आटे को बांधते हैं तो यह कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब आटे का मोल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे गूंधते हुए हल्का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच आटा, फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, साटा बनकर तैयार है। अब हम खाजा बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में डालेंगे 1/2 कप चीनी, फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, यानी जितना भी आप चीनी ले रहे हैं उसकी आधी मात्रा में आपको पानी डालना है। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यह मैंने एक दिन पहले चाशनी बनाई थी जो कि बच गई थी, तो इसको मैं इसी में डालकर यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें 1/2 कप चीनी ही डाला है। आप इस खाजा को बनाने के लिए 1 कप चीनी की चाशनी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो देखिए, चलाते चलाते सारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। एक बार हम उंगली में ऐसे चाशनी लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। तो यह एक तार बनने से जस्ट 1 स्टेज पहले है, हमें इसी स्टेज पर इसे बंद कर देना है। जैसे कि हम गुलाब जामुन का चाशनी बनाते हैं, ठीक उसी तरीका का चाशनी हमें इसमें भी यूज करना है। दोस्तों, इसमें मैंने इलायची पाउडर या केसर के धागे इस बार नहीं डाले हैं, क्योंकि हमने इसमें जो पहले की चाशनी बनाई हुई थी उसी में डाली हुई थी और उसमें हमने वह सारी सामग्रियाँ पहले से डाल रखी थी, तो इसका फ्लेवर इसमें भी आ चुका है। लेकिन आप इसमें इलायची पाउडर 1/4 चम्मच और कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इतनी देर में हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसको ऐसे रोल करते जाएंगे, इसका एक पतला लंबा रोल बना लेंगे। अब इसको बराबर साइज के पीसेज में काट लेंगे। यह देखिए, कुछ इस तरीके से। इसमें से एक पीस निकालकर इसको हाथों के बीच रोल करते हुए और फ्लैट करते हुए ऐसे शेप का बना देंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे की लोई बनाते हैं ना, वैसे ही ऐसे ही सारे पीस को कर लेंगे।
तो अब एक पीस लेंगे और इसके दोनों तरफ आटा छिड़क कर इसे बेल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को बेलकर पहले ही रख लेंगे। तो यहाँ तक तो थे काफी सिंपल स्टेप जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हुए भी करते हैं। तो यहाँ तक का जो बेसिक प्रोसीजर खत्म हो गया है, अब चालू करते हैं खाजा बनाने की तरह। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले एक रोटी लेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा साटा लगाकर स्प्रेड कर देंगे। फिर इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे, इसके ऊपर भी साटा लगाकर स्प्रेड कर देंगे। फिर एक और रोटी रखेंगे और ऐसा करते करते हम सारी रोटियों के ऊपर साटा लगाकर स्प्रेड करेंगे और सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख देंगे। इसको हल्का सा बेलकर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फिर इसे भी रोल कर लेंगे और एंड वाले पार्ट पर थोड़ा सा साटा लगाकर स्प्रेड करेंगे और फिर इसको पूरा अच्छे से रोल कर देंगे और कोने से एकदम सील कर देंगे। इसको भी बराबर पीसेज में काट लेंगे। अब एक पीस को लेकर दबाते हुए ऐसे फ्लैट कर लेंगे और कोने से पकड़कर ऐसी शेप दे देंगे। ऐसे ही करते हुए हम सारे पीस तैयार करते जाएंगे। अब कढ़ाई में तेल भरकर डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर इसमें सारे पीसेज एक एक करके डाल देंगे। देखिए जैसे इसमें बुलबुला आने लगेगा तब हम इसको चम्मच से अलट पलट करना चालू कर देंगे। इसको अलट पलट कर क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सारे खाजा को चाशनी में डाल देंगे और हर तरफ से चाशनी से कोट कर लेंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर कुछ पिस्ता से हम गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो चांदी वर्क या केसर के धागे से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बस तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट खास्ता और क्रिस्पी खाजा। इसे आप दीपावली या कोई भी फेस्टिवल में बनाकर यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।